ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। पूरे भारत वर्ष में दशहरा पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है और इस दशहरे से पहले ही भारत के तमाम राज्यों में पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा का संदेश देने वाली रामलीला का मंचन असंख्य जगहों पर होता है। दिल्ली में रामलीला मंचन के क्षेत्र में 3 साल के अंदर ही अपनी अलग पहचान बना चुकी संपूर्ण रामायण भी हर साल आर्यन हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें आधुनिक समाज में भी भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए गए मूल्यों को अंगीकार करने का संदेश मात्र 3 घंटे में समझा दिया जाता है। आर्यन हेरिटेज फाउंडेशन पिछले 3 सालों से नेताजी सुभाष प्लेस में संपूर्ण रामायण का आयोजन कर रही है। ये रामलीला लगभग 3 घंटे में पूरी हो जाती है। इस वर्ष 24 से 29 सितंबर को होने वाली संपूर्ण रामायण के मंचन के संबंध में आर्यन हेरिटेज फाउंडेशन के चेयरमैन ईश्वर बंसल, महासचिव अनिल गर्ग, कोषाध्यक्ष अजय गुप्ता और अन्य गणमान्य लोगों ने मिलकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में संपूर्ण रामायण की उत्कृष्टता के बारे में बताते हुए कहा कि दूसरी रामलीलाओं से ये कैसे अलग है। दिल्ली में सैकड़ों रामलीलाएं होती हैं और सिर्फ दिल्ली में ही दूर भारतवर्ष में होती हैं। और ये रामलीला मैं खुद भी जो है बड़ी रामलीलाओं से भी पीछे जुड़ा रहा, तो वहां पे हम ये देखते थे कि 10 दिन की रामलीलाओं में कितने लोग वहां पे सिर्फ रामलीला देखने के लिए आते हैं। सभी रामलीलाओं का पर्पज एक ही है कि भाई हम अच्छे से अच्छे गुण अपने पीढ़ी में कैसे समाएं। पर होता क्या है, आज जो लोग वहां पे रामलीला देखने के लिए जाते हैं वो सिर्फ मेलों में और खाने पीने के लिए जाते हैं। हम उनको कैसे हम अपने यहाँ पे बुलाएं जिससे वो सिर्फ और सिर्फ रामलीला देखें। आप देखेंगे सभी रामलीलाओं में मेले के नाम पे बहुत बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, झूले लगते हैं, सब चीजें होते हैं। हमारे यहाँ पे आपने देखा अभी लगभग हमारा ग्राउंड तैयार है, एक भी कोई झूला नहीं है, कोई मेला नहीं है, कोई स्टॉल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का पर्पज ये है कि हम अच्छे से अच्छे ढंग से अपने आए हुए ऑडियंस को जो है रामलीला को दिखाएं और कुछ ना कुछ सीख के जाएं। नेताजी सुभाष प्लेस में होने वाली संपूर्ण रामायण का निर्देशन जाने माने निर्देशक शशिधर नायर कर रहे हैं। इस रामलीला में मजे हुए कलाकारों द्वारा पात्रों की भूमिका निभाई जाती है। संपूर्ण रामायण में लाइट और साउंड पर ही पूरी रामलीला का सुंदर और अद्वितीय मंचन प्रस्तुत किया जाता है। संपूर्ण रामायण में शानदार साउंड इफेक्ट्स, स्टेज पर अद्भुत तकनीक के साथ लगे LED लाइटिंग ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि एक पल को लगता है कि जैसे हम उसी समय में पहुंच गए हैं जब राम राज था और सतयुग में श्री राम हमें दर्शन दे रहे हों। हमारी जो ये रामलीला है खाली दिल्ली में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अलग किस्म की रामलीला है। इस तरह की रामलीला मेरे ख्याल से पूरे भारत में 1 या 2 होती होंगी। और हम तो ये कहते हैं कि हमारी ही एक रामलीला जो डायलॉग सरल भाषा में जिसको जनता समझ सके ऐसी भाषा में इतनी शॉर्ट पीरियड में रामलीला जो हम समाप्त करते हैं और पूरा चित्रण भगवान राम का दिखाते हैं, अलग ही तरह की एक रामलीला पूरे हिंदुस्तान में हमारी है। ऐसा है ना जी, इसको हम 2 महीने पहले ही इसको सारी चीज़ों को प्रोग्रेस में लेते हैं ताकि हर तरह का कोई भी चैनल जिस तरह सिस्टम है हमारा है कि LED में सारे जैसे राम जी अगर बनवास जाते हैं बनवास का सारा पीछे राम जी LED से दिखाई देता है। कलाकार प्रैक्टिस 2 महीने से करते हैं तो इसलिए हमारी 3.5 घंटे में जो मेन जो बच्चों को सिखाने चाहिए आज के ज़माने में कंप्यूटर के सिस्टम से कि जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं तो 1 मिनट में फॉरवर्ड चलता है 4G ऐसे चलता है, इसी तरह इसको भी हमने तेज़ चला करके जो मेन आंस हैं वो हमने दिखाए हैं इसके अंदर। हमारा जो कंसेप्ट है मेन बच्चों को जोड़ना, उनको जो हमारी संस्कृति से उसे विमुख हो गए हैं उनको अपने साथ जोड़ना, यही टाइम ड्यूरेशन। अगर बच्चों को आपको जोड़ना है कैसे जोड़ोगे आप,
इनको एक लाइट एंड साउंड शो के थ्रू जो है, जैसे मूवी देखने जाते हैं हम लोग 3 घंटे की, उसी तरीके से तो बच्चे इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अगर बच्चे जुड़ रहे हैं तो उनके माँ बाप भी जुड़ रहे हैं, तो इसलिए हमारे बजट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं है उस चीज। संपूर्ण रामायण के लिए साउंड इफेक्ट्स और शो के लिए संगीत मुंबई के स्टूडियो में रिकॉर्ड किए गए हैं। शो का टाइटल गीत बॉलीवुड के जाने माने और लोकप्रिय गायक उदित नारायण और कैलाश खेर द्वारा गाया गया है, जो इस शो के दौरान दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेगा। हर साल संपूर्ण रामायण कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं। इस बार वाल्मीकि द्वारा पूरी रामायण सुनाई जाएगी, जिसके लिए अभिनेता मुकेश कुमार की आवाज को लिया गया है। आर्यन हेरिटेज फाउंडेशन भी चुनौती से लड़ते हुए हर साल इस रामलीला को सफल बनाता है और इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। आपको बता दें कि ये रामलीला 24 सितंबर से 29 सितंबर 2017 तक रोजाना नेताजी सुभाष प्लेस में शाम को 7 बजे से शुरू होगी। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए सोनू के साथ अंशुल त्यागी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर